आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। मत्स्य पालन तालाब में हो रही सिंघाड़ा की खेती, ग्रामीणों ने किया विरोध। उप जिलाधिकारी से जांच कराने की मांग की। रामजीवन पुत्र दीपचंद निवासी मुस्तफाबाद ने उप जिलाधिकारी बिलग्राम को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गाटा संख्या 367/0 हेक्टेयर जो मत्स्य पालन हेतु ओंकार पुत्र छोटेलाल, सुभाष पुत्र जुग्गा, महेश पुत्र छोटेलाल आदि के नाम आवंटित है, जिस पर पट्टा धारक जानवरों को पानी पीने नहीं देते हैं। कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल तालाबों में किया करते हैं, जो पानी जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित बना हुआ है। शासन द्वारा यह भी जानकारी हुई कि मत्स्य पालन हेतु तालाबों में सिंघाड़ा की खेती करना न्याय उचित नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी बेलग्राम से जाँच कर उक्त पट्टा धारकों के खिलाफ पट्टा निरस्त कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं ग्रामीण रामजीवन ने बताया कि उक्त पट्टा धारक सभी दबंग किस्म के लोग हैं। यही यदि ग्रामीणों का कोई भी जानवर तालाब में चला जाता है तो उसके साथ फौजदारी आमदा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जांच करना न्याय उचित है। लाइव टीवी समाचार के लिए हरदोई से चंदगी राम मिश्र के साथ अमन अंसारी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।